चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक खतरनाक धुआंधार युद्ध हुआ था। अरे ये युद्ध इतना शानदार हुआ था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यार, इतना शानदार युद्ध हुआ था और इसमें लड़ते हुए दो सेनापति मारे गए और प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक एक बताऊंगा आपको, साका क्या होता है, जौहर क्या होता है। गोरा और बादल बेचारे दोनों ही लड़ते हुए मारे गए। अरे गोरा और बादल दोनों आपस में चाचा भतीजा थे और दोनों ही लड़ते हुए मारे गए। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है, सारे शानदार है। मैं बोलूंगा मैं तो पूरे दिन पढ़ाता हूँ बेचारे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। चित्तौड़गढ़ प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था भाई। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल अनपढ़ था, कैसे कबूतर भी नहीं जानता था, लेकिन साम्राज्यवादी व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था ये, और लोग बाग तो कई कारण मानते हैं चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का, लेकिन जो भी कारण रहा, कारण तो था ही ना, युद्ध तो हुआ ही भाई, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? तो आपको याद रखना है, सारे बच्चे फटाफट स्पीड के साथ उत्तर दो। देखें सारे बच्चे धुआंधार जवाब दे रहे हैं भाई, सब ने उत्तर दिया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन किया भाई, जैसे आप लोग मेरे आंखों देखा वर्णन कर सकते हो ना, कि संदीप सर कैसा पढ़ाते हैं, इसे बोलते हैं आंखों देखा वर्णन, सजीव वर्णन। मैं तो आपका सजीव वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, हालांकि बिना देखे भी यार इतना जोश के साथ, और को इतना जोश, आप संख्या बढ़ाओगे तो डबल जोश हो जाएगा ये, और आपको घर बैठे नॉलेज मिल रहा है तो आपको संख्या बढ़ानी चाहिए। अगला सवाल, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहां रखा गया? सेकंड गेट में आता है क्वेश्चन भाई। पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन की बलि दी, पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन की बलि दी और उदय सिंह को बचा लिया, तो सेकंड गेट में पूछा गया क्वेश्चन कि पन्नादाई ने उदय सिंह को कहां पर शरण दी, पन्नादाई ने कहां पर शरण दी भाई, ठीक है ना। तो सारे बच्चे धुआंधार जवाब दे रहे हैं, मजा आ रहा है देखकर मुझे भी, और सारे बच्चों ने सी को निशान लगाया, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर भी सही है, आप गलत हो ही नहीं सकते, आप लोग इतने मेहनती हो, आप कहां से गलत हो जाओगे। तो माना उदय सिंह को पन्नादाई ने कुंभलगढ़ में शरण दी थी। कुंभलगढ़ को कुंभलेर दुर्ग बोलते हैं भाई। अगला सवाल, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए में राणा रहप, बी में राणा हरि सिंह, सी में राणा हमीर, डी में राणा करण सिंह। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? देखो ये सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, ठीक है, तो इसने नींव रखी थी राणा हमीर ने, राणा हमीर ने, और ये सिसोदिया वंश की सत्ता लंबे समय तक चलती आई थी भाई। देखो भाई कौन सा दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? बसंती दुर्ग, ये माना कुंभा की बसंती है, सेकंड गेट 2018 में आए थे क्वेश्चन कि बसंतगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, तो आपको ये याद रखना है। कीर्ति स्तंभ, देखो कीर्ति स्तंभ और राज प्रशस्ति एकलिंग जी का मंदिर, इसके निर्माता कौन है, इनके फटाफट निर्माता बताओ देखे तुम। तो बसंती दुर्ग सिरोही में है भाई, बसंती दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। राज प्रशस्ति राजसमंद में है, राज प्रशस्ति राजसमंद में है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने बनवाया था। तो इसका राइट उत्तर सबने लगाया भाई ए सही है भाई, सारे बच्चों ने राइट आंसर लगाया ए सही है। अगला सवाल, कुंभा किसका परम भक्त था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि सारी मेवाड़ रियासत थी किसी और भगवान की उपासक, कुंभा किसी और भगवान का उपासक था। सारे बच्चे थोड़ी स्पीड के साथ लगाओ, बुद्ध को उत्तर क्या शानदार उत्तर दे रहे हैं, सारे बच्चे पढ़े लिखे आदमी, ऐसे आप लोगों के साथ काम करने का फिर मजा भी आता है, सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं भाई। सारे बच्चों ने लगाया भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। अगली बात, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किस इतिहासकार ने कहा, किस इतिहासकार ने कहा? अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किस इतिहासकार ने कहा? ऑप्शन ए में है एल पी टेसिटोरी, बी में ग्रियसन, और सी में जॉर्ज मैथ्यू, और डी में कर्नल जेम्स टोड। ये टेसिटोरी बहुत बार परीक्षा में आया भाई, ठीक है ना। ये टेसिडोरी इटली के निवासी थे और बीकानेर में रहकर इन्होंने साहित्य पर शोध किया था।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्होंने राजस्थान की बोलियों पर वैज्ञानिक दृष्टि पाल डाला था, एक पुस्तक भी लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और कर्नल जेम्स टोड को आप जानते ही हो, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। और ये काम किसी और ने नहीं किया भाई, और ये काम कर्नल टोड ने किया था, कर्नल टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली का। अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था भाई, विवाह किया था, एक महिला पक्की आएगी आपकी परीक्षा में, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में महिलाओं का योगदान, एक महिला पक्की आएगी, वो कोई सी भी हो सकती है, आप जहां भी महिलाएं आएंगी आपको वो सारी महिलाएं पढ़नी पड़ेंगी, चंद्रा कुमारी, इंदिरा कुमारी, कृष्णा कुमारी, जोधाबाई, जगत गोसाई है ना, किसान आंदोलन से किशोरी देवी, राम प्यारी, दुर्गा देवी, जितनी भी महिलाएं सारी पढ़ डालो भाई, सारी महिलाएं परीक्षा में आएंगी, अपने लिए सम्मानजनक है क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, राजस्थान के इतिहास में इनका योगदान है। बच्चे सही निशान लगा रहे हैं, चारुमति, चारुमति के पिता का नाम था राजा रूप सिंह राठौड़, चारुमति के पिता श्री चारुमति का विवाह औरंगजेब से करना चाहते थे, तो धर्म किसका खतरे में पड़ा भाई, चारुमति का। चारुमति ने राज सिंह से आग्रह किया, राज सिंह जी आप मेरे साथ विवाह कीजिए और मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। राज सिंह ने कहा टेंशन क्यों कर रही है, आजा कर ले। तो ये युद्ध का मूल कारण था भाई, ये आदमी तीन ही चीजों के लिए लड़ता है भाई, जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब होता है पैसा, जोरू का मतलब होता है पत्नी, जमीन का मतलब होता है खानदान वाली प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर इसका चारुमति। हुड्डा सम्मेलन आयोजित करवाया गया था भाई, हुड्डा सम्मेलन किसने आयोजित करवाया था, ऑप्शन ए में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, बी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, सी में महाराणा भीम सिंह ने, और डी में सवाई जय सिंह ने। स्पीड के साथ जवाब दो भाई, हुड्डा सम्मेलन का आयोजित किसने करवाया था। सारे बच्चे ये क्यों लगा रहे हो भाई, इतने पढ़े लिखे आदमी हो ये क्यों लगा रहे हो, हुड्डा सम्मेलन बुलवाया किसने, क्वेश्चन आपका ये आ रहा है भाई। तो कुछ बच्चे ए का निशान लगा रहे, नहीं हुड्डा सम्मेलन ए नहीं करवाया भाई, ए गलत बोल रहे हो। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं भाई, सी भी गलत बोल रहे हो। हुड्डा सम्मेलन बुलवाया था, आपको जिंदगी भर याद रखना है, और ये हुड्डा सम्मेलन सवाई जय सिंह ने बुलवाया था भाई, सवाई जय सिंह ने बुलवाया था।